हरियाणा के गृह मंत्री ने कहा कि प्रदेश में किसी को गुंडागर्दी या बदमाशी नहीं करने दी जाएगी। सरकार का सीधा मैसेज है कि बदमाशी छोड़ दो या हरियाणा छोड़ दो। अमन शांति बनाने के लिए सरकार नया कानून भी ला रही है। मादक पदार्थों की तस्करी और क्रिमिनलों के खिलाफ कार्रवाई के लिए सरकार एक बार फिर सोचेगी। सरकार का बुलडोजर नहीं रुकेगा। तो आज विधानसभा की कार्रवाई शुरू हुई है। विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है और ऐसे में गृहमंत्री अनिल विज ने ये बात कही है, बदमाशी छोड़ो या फिर हरियाणा छोड़ो। उन्होंने कहा है कि बुलडोजर नहीं रुकेगा। तो अमन शांति के लिए सरकार नया कानून लेकर आ रही है, ये बात अनिल विज ने कही है कि सरकार का बुलडोजर नहीं रुकेगा, बदमाशी छोड़ दो। तो विधानसभा में आज अनिल विज ने ये बात रखी और उन्होंने सीधा सरकार का मैसेज दिया कि क्रिमिनल्स और ड्रग तस्करी करने वालों पर नकेल कसने के लिए और जो उन्होंने गलत तरीके से पैसा कमाकर संपत्तियां बनाई हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। हम संबंधित विभाग को सारा डाटा देते हैं कि इतने केसेस हैं इसके खिलाफ और इतने वो हैं, टोटल 178 संपत्तियों पर बुलडोजर चला है सर, जिसमें से 72 रिलेटेड टू मादक पदार्थों से है। और मैं समझता हूं कि किसी भी कानून पसंद व्यक्ति को इस पर इतराज नहीं करना चाहिए, इसकी सराहना करनी चाहिए। आपके संज्ञान में भी अगर कोई होगा आप हमें सूचना दें, हम कार्रवाई करेंगे, क्योंकि हम प्रदेश से ड्रग तस्करी, गुंडागर्दी, शराब माफियाज, हम इन सब पर नकेल लगाना चाहते हैं। और जब से हमने कार्रवाई करनी आरंभ की है सर, स्पीकर सर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हरियाणा में ठंड पड़ गई है, इनके हौसले टूटे हैं और हरियाणा छोड़ छोड़कर ये लोग भाग रहे हैं। और मैं संकोच नहीं करूंगा, अगर ऐसे और भी केस हमारे सामने आएंगे तो सरकार कार्रवाई करने में एक बार भी नहीं हिचकेगी, जरूर कार्रवाई करेगी। अगर जहां तो बदमाशी छोड़ दो और जहां हरियाणा छोड़ दो, हम किसी को भी अपने प्रदेश में ये गुंडागर्दी और बदमाशी नहीं करने देंगे। और उसके लिए हम और कानून भी ला रहे हैं, जल्दी हम विधानसभा में जहां ऑर्डिनेंस के माध्यम से हमने उसको सारा क्लियर कर दिया हर कोका का, हम वो भी ला रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि प्रदेश के लोग अमन और शांति से रहे। कोई भी देश या प्रदेश तभी तरक्की करता है अगर वहां पर अमन और शांति है, और अमन और शांति बनाने के लिए जो भी कदम उठाने पड़ेंगे वो हम उठाएंगे सर।